नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर यू चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रुप डी में सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स आज अलग अलग डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में जाकर रिपोर्ट करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले सभी सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को हार्दिक शुभकामनाएं। ये लिस्ट दोस्तों आपको दिखाई दे रही है। इस लिस्ट के अंदर यहाँ पे रोल नंबर है, कैंडिडेट का नाम है, फादर का नेम है, और कौन सा डिपार्टमेंट में आपको जाके रिपोर्ट करनी है, और पोस्ट यहाँ पे मेंशन है। दोस्तों, ये लिस्ट आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मेन बात है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए। आपने सभी वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म फिल करते हुए उसमें मेंशन किए थे। जैसे कि दोस्तों, 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं सभी डॉक्यूमेंट्स, और सभी की फ़ोटो कॉपी भी आपने साथ लेके जानी है। जैसे कि 10th क्लास का डेट ऑफ बर्थ के लिए होता है दोस्तों, 12th क्लास का लेके जाना है आपने, ग्रेजुएशन अगर आपने मेंशन किया है तो, यानी कि बीए वगैरह, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए वगैरह अगर आपने किया है तो, और अगर कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो, जैसे कि मान लिया आपने आईटीआई से कोई कोर्स किया है या आपने कोई कंप्यूटर का कोर्स किया है और उसको फॉर्म भरते हुए आपने उसमें मेंशन किया है तो वो साथ लेके जाएं दोस्तों। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपको साथ लेके जाना है, हरियाणा डोमिसाइल दोस्तों आपने लेके जाना है, और अपनी पहचान के लिए यानी कि आइडेंटिफिकेशन के लिए दोस्तों आपने वोटर कार्ड और आधार कार्ड लेके जाना है, दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है। अगर पैन कार्ड आपने बनवा रखा है तो भी आप उसको साथ ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्टर सर्टिफिकेट दोस्तों आप 31 जनवरी तक जमा करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास है तो आप उसको लेके जाएं ज़रूर। फोटोग्राफ्स दोस्तों 2-4 लेके जाएं एक्स्ट्रा, और फोटोग्राफ्स आपके पास वही होने चाहिए जो आपने फॉर्म भरते हुए मेंशन किए थे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दोस्तों आपने साथ लेके जाना है, और जब आपने फॉर्म फिल किया था तो उस वक्त एक प्रिंट आउट आपने लिया होगा, तो वो प्रिंट आउट अगर आपके पास अवेलेबल है दोस्तों तो आप उसको ज़रूर लेके जाएं। परिवार में नौकरी है या नहीं है उसका सर्टिफिकेट आपको ज़रूर लेके जाना है, ये तो बेहद ज़रूरी है दोस्तों, और उसको भी आप अपने साथ लेके जाएं। और अगर कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, जैसे कि मान लिया आपके पास NSS का है या NCC का है या स्पोर्ट्स पर्सन का है या एक्स सर्विस मैन का है, और उसको आपने मेंशन किया है फॉर्म भरते हुए, तो उसको भी आप साथ लेके जाएं। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और विशेषकर उन कैंडिडेट्स के पास शेयर करें दोस्तों जो आज ग्रुप डी के लिए रिपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।